नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं रात का दृश्य दशाश्वमेध घाट से लेकर कॉरिडोर तक के। आप सामने देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट, आरती की तैयारी सामने की तरफ। काफी भीड़ है और हवा भी काफी तेज चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आपको आगे घाट का भी दृश्य दिखाएं। अभी आप देख रहे हैं आरती देखते हुए जितने भी पर्यटक हैं, काफी बड़ी संख्या में दशाश्वमेध घाट की आरती देखते हुए, संध्या आरती, जबरदस्त भीड़ है। ये जगह आप देख रहे हैं त्रिपुर भैरवी घाट, शाम का खूबसूरत दृश्य है। आगे में मीर घाट, और ये देख रहे हैं आप काफी खूबसूरत दृश्य है। आगे देख रहे हैं रैंप, और इस तरफ श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर, और ये एक ही रंग में सभी घाटों को किया गया है। जैसा कि मालूम हो कि जून में G20 सम्मेलन का द्वितीय चरण शुरू होगा, और उसके चलते नमो घाट से लेकर रविदास घाट तक काफी अच्छे से सजावट की जाएगी। चलिए आ गए हैं रविदास घाट के पास स्थित रैम के पास। ये आ गए हैं गंगा द्वार के पास, और इस तरफ का मैं आपको दृश्य दिखाऊं। ये आपका ललिता घाट। खूबसूरत लाइटिंग की गई है ललिता घाट पर। चलिए दोस्तों, आपको गंगा द्वार से अंदर की तरफ चले कॉरिडोर के। चलिए दोस्तों, कॉरिडोर के अंदर जैसा कि सामने का दृश्य आप देख रहे हैं, गंगा द्वार के ठीक सामने, काफी आज सुहाना मौसम है, और जर्मन हैंडर फिलहाल अभी अस्थायी व्यवस्था है इस जर्मन हैंडर का। इसके बाद इसको स्थायी रूप में यहाँ पर बनाया जाएगा। काफी भीड़ रहती है इस अमूल पार्लर में। मानसरोवर भवन यहाँ पर शुरुआत फिलहाल, नटराज होटल वेज रेस्टोरेंट।
लेकिन ऊपर का अभी भी खुला नहीं है। ये आप देख रहे हैं इस ललिता घाट के ऊपर स्थित ये भव्य चौकोर छतरी है। काफी खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है इस छतरी से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर स्टील के रेलिंग सुरक्षा की दृष्टि से ये लगाया गया है, क्योंकि पहले जो रेलिंग लगी थी पत्थर की तो काफी छोटी थी, करीब 2 फुट थी, लेकिन ये 4 फुट की रेलिंग और पहले से अब काफी सुरक्षित ये छत हो गई है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब आपको लेके आ गए हैं हम कार्तिकेय वाटिका परिसर में, जहां पर कुछ इस प्रकार का दृश्य है। मानसरोवर यहीं पर आपका रेस्टोरेंट है, जो नीचे की तरफ खुल चुका है लेकिन ऊपर की तरफ फिलहाल अभी ओपनिंग अभी हुई नहीं है। ये आप देखें इस तरफ ये रेस्टोरेंट यहाँ पर भी खुला है, मानसरोवर और ठीक कार्तिकेय वाटिका के पास में ऊपर मंदिर। फिलहाल अभी मंदिर बंद है। चलिए और ऊपर आपको ले चले कार्तिकेय वाटिका। यहाँ ऊपर में देखेंगे तो जैसे ही कार्तिकेय वाटिका से ऊपर आप आएंगे तो लॉकर की सुविधा यहाँ पर और बैग रखने की सुविधा, टिकट काउंटर, लॉकर बैगेज काउंटर ठीक सामने में। यहाँ पर जगह जगह वाटर कूलर की भी व्यवस्था है। चलिए हम ऊपर की तरफ आ गए हैं परिसर में। गेट नंबर 1 के पास में जहां कुछ इस प्रकार का दृश्य है। देख रहे हैं सेम यहाँ पर दशाश्वमेध भवन में कूलिंग पॉइंट, काशी स्वीट्स, उल्पी एक्सप्रेस, सुख सागर और ग्लोबल बेक, ये सभी आपका दशाश्वमेध भवन में 1 जून को भव्य ओपनिंग होगी। चलिए दोस्तों इसी खूबसूरत दृश्य के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।